नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल NIB नोएडा ने निकाली रिक्तियां। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल NIB ने असिस्टेंट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास विज्ञान के साथ 60% अंकों के साथ, 10+2 और 10वीं पास 50% अंकों के साथ या फिर 60% अंक के साथ मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट nib.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बेगूसराय के कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैले इस झील में आप मछलियों की 30 से ज्यादा प्रजाति, 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 106 स्थानीय प्रजाति के पक्षियों को निहार सकते हैं। 1984 में बिहार सरकार से पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्राप्त यह स्थल बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। यहाँ रोजाना दूरदराज से सैलानी मनमोहक वातावरण एवं पक्षी विहार के लिए आते हैं। पुरातत्वीय महत्व का बौद्धकालीन हरसाइन स्तूप भी आपको यहां देखने को मिलेगा। ठेकेदारों को ठेका लेने से पहले करना होगा कुछ काम। बीते दिन कानून व्यवस्था को लेकर बुलाए गए बैठक में ठेकेदारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे ठेके जो आम जनता से जुड़े हुए हैं और सरोकार रखते हैं, उनके ठेकेदारों को SP ऑफिस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने आगे यह भी कहा कि जो भी कर्मचारी ठेकेदार के साथ काम करेंगे उन्हें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, सभी ठेकेदारों और कर्मचारियों के पास सरकार की तरफ से निर्गत करवाया ID कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन ठेकों में एयरपोर्ट, राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, सभी स्टैंड, हाट और बाजार के ठेके प्रमुख है। बिहार में अब बनेगा रोड सेफ्टी फंड। केंद्र सरकार बड़ी योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निःशुल्क इलाज को लेकर केंद्र के निर्देश पर बिहार सरकार रोड सेफ्टी फंड को बनाने का काम शुरू करने वाला है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब बिहार में रोड सेफ्टी फंड बनने वाला है। बीते दिन केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह, सड़क मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमान भी मौजूद रहे थे। अब तालाबों के रखरखाव की जिम्मेदारी उठाएंगी जीविका दीदियां। बिहार के तालाबों का रखरखाव जल्द ही जीविका दीदियों के हाथ में होने वाला है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद इस योजना से एक तरफ तालाब आदि का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जा सकेगा, जीविका दीदियों की आय का भी अब स्रोत बन जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया है और कहा है कि घोषित सौरातों जिनकी बंदोबस्ती होती है उसको छोड़कर अन्य तालाबों का रखरखाव जीविका दीदियों को दिया जाना है। बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वालों को फरवरी महीने से लगेगा टीका। कोरोना का टीकाकरण का दायरा अब बिहार में बढ़ाने की तैयारी होने जा रही है, जिसके बाद राज्य में 25 जनवरी तक फ्रंटलाइन वर्कर के आंकड़ों को जुटाने के बाद फरवरी से 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इस उम्र के लोगों का जिलावार रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया जाएगा। इसमें मतदाता सूची के आधार पर सूचनाएं जुटाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि अब 50 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उनको 4 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सूबे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 1175 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। यह रिक्तियां कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पौधा संरक्षण संभाग में 1175 पदों पर यह नियुक्ति होने वाली है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग की समीक्षा के बाद खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पौधा संरक्षण संभाग में कुल 1509 पद हैं, जिनमें से अभी मात्र 334 कर्मी ही, जिसके कारण से 1175 पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं।
बिहार में बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की उठी मांग। अगले महीने से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा को लेकर अब बिहार बोर्ड की तरफ से परीक्षा को स्थगित करने की मांग शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अगले महीने से शुरू होने वाले बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हजारों परीक्षार्थियों ने सुरक्षा कारणों और खराब तैयारी के चलते परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। इस बाबत विद्यार्थी ने साफ कहा है कि महीने तक स्कूल बंद रहने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी है, उनके पास ऑनलाइन कक्षा की सुविधा भी नहीं थी, उन्हें कोर्स के रिविजन करने का समय भी नहीं मिल पाया है। डाक पे ऐप से आम नागरिकों को मिलेगी बड़ी सुविधा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डाक पे ऐप को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब ग्राहक घर बैठे बैठे ही बैंकिंग और डाकघर की सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। इस ऐप का प्रयोग अब कोई भी कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ग्राहकों का डाकघर का खाता हो ही। इस ऐप से यूपीआई को भी जोड़ दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस ऐप को विकसित और पिछड़े इलाकों के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से दूर दराज और गांव कस्बे में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं का फायदा मिलेगा। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 168 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,449 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप तीन जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 73 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भोजपुर और दरभंगा में 7 मामले सामने आए हैं। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं तब तक शिक्षक घर जाएंगे नहीं। नियोजन की मांग को लेकर बीते दिन भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों का विरोध गर्दनीबाग में देखने को मिला। शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए और हम लोग धरना से उठकर अपने अपने घर जाएं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों मजिस्ट्रेट से बात करने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना पर गर्दनीबाग में ही बैठने की अनुमति दिलवाई थी। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक नियुक्ति पत्र उन्हें सौंप नहीं दिया जाता। राजगीर वासियों के लिए राजगीर में ही पैदा होगी बिजली। राजगीर वासियों को अब बिजली के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करना होगा। राजगीर वासियों को तमाम सुविधा मुहैया करवाने के लिए ही राज्य में सोलर बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राजगीर में आयुध फैक्ट्री के बाहर खाली पड़ी लगभग 100 हेक्टेयर जमीन की मांग की है, जिसके बाद जमीन पाने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने भी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग भी की जा चुकी है। अनापत्ति पत्र मिलने के साथ ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जमीन मिलने के बाद इस पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर प्रतिदिन करीब 20 मेगावाट यानी कि करीब 80,000 यूनिट बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। बिहार में अब सरकारी भवन भी दिखेगी चकाचक। बिहार में सरकारी भवन को चकाचक करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसको लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने की योजना भी बनाई जा रही है, जिसके तहत भवन निर्माण का टेंडर निकालने के समय ही उसका शर्तों से कम 5 साल के लिए मेंटेनेंस को भी शामिल किए जाने पर सोच विचार किया जा रहा है। टेंडर के माध्यम से सरकारी भवनों को बनाने की जिम्मेदारी लेने वाले ठेकेदारों को ही मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे समय से पहले सरकारी भवन जर्जर नहीं होंगे। इसको लेकर शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग के नए सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। समग्र शिक्षा योजना के तहत बिहार को मिले मात्र 1941 करोड़। कोरोना संक्रमण के माहौल में वित्त वर्ष में केंद्र से निर्धारित बजट राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक मात्र 50% राशि ही बिहार को दी गई है। जानकारों की माने तो अगर जल्द ही केंद्र ने अपना केंद्रांश नहीं जारी किया तो सर्व शिक्षा अभियान और दूसरे मुद्दे में संचालित किए जाने वाले कार्यों के संचालन में बाधा पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार किसी तरह से राज्य योजना से शिक्षकों की सैलरी के लिए पैसे दे रही है, मगर अब शिक्षा विभाग ने बजट की बाकी बची राशि केंद्र को पत्र लिखकर मांगी है। बिहार में जमीन लीज पर देने के लिए जल्द ही बदले जाएंगे नियम। बिहार में जमीन लीज को लेकर नियमों में जल्द ही बदलाव होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि शहरी क्षेत्रों की जमीन लीज पर देने के नियमों में बदलाव अब होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो नया कानून भी बनाया जा सकता है। इसको लेकर साथ ही जमीन की रिपोर्ट मांगने के लिए विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वेंडरों के लिए शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों को सहयोग करना होगा। बिहार में सर्दी का सितम अभी रहेगा जारी। बिहार में सर्दी का सितम अभी जारी रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी बिहार वासियों को 23 जनवरी से पहले ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है।
उत्तर पश्चिमी दिशा में बर्फीली हवा का प्रवाह बढ़ जाने और पूर्वा हवा का जोर रुकने के कारण अभी सुबह और शाम में ठंड की स्थिति देखने को मिलती रहने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 22 जनवरी तक सूबे के अधिकतर भाग में सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहने वाला है। दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा भी छटेगा और दृश्यता में भी बढ़ोतरी होगी। मौसमविदों का कहना है कि अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए 1963 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना 1965 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। भारतीय अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर का 1972 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक तथा मैगसेस पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति TM कृष्णा का 1976 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दुनिया को आज ही के दिन विदा कहा था। बिहार को मिला इलेक्शन मैनेजमेंट पुरस्कार। कोरोना के माहौल के बीच बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव का सफल आयोजन करवाया गया था, जिसको लेकर अब बिहार को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत बिहार को हाल ही में इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार का चयन बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में हुआ है, जिसके बाद अब 25 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास यह पुरस्कार लेने वाले हैं। इसके साथ ही वैसे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जो कोरोना के माहौल के बावजूद आपके लिए बेहतरीन काम कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में शामिल होने राजगीर पहुंचे नीतीश। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर ही देश भर के गुरुद्वारों में समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजगीर के गुरु नानक कुंड और गुरुद्वारा में आयोजित प्रकाश पर्व के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन राजगीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरु द्वारे में मत्था भी टेका। इस मौके पर उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों के साथ लंगर का प्रसाद भी चखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब गुरु नानक साहब राजगीर आए थे तो यहां के लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि यहां आसपास में सिर्फ गर्म कुंड का झरना है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ एक शीतल जल का भी कुंड हो जाए। राज्यसभा को मिला नया दफ्तर। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय की अवधि का विस्तार करने से सरकार ने साफ मना कर दिया है। इसको लेकर भवन निर्माण विभाग ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है। भवन निर्माण विभाग के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय का अवधि विस्तार 18 दिसंबर 2020 तक के लिए किया गया था, जिसके बाद अब आवास संख्या C25 ईस्ट गार्डन रोड के बदले केंद्रीय पुल का आवास संख्या A1 रोड नंबर 6 R ब्लॉक को 2 साल के लिए शर्त के साथ कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कमा रहे हैं कटिहार के किसान। जहां एक तरफ किसान का एक तबका लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे किसान का जत्था देखने को मिल रहा है जिनकी चांदी ही चांदी है। ऐसा ही कुछ हाल कटिहार के किसानों का भी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मदद से ये किसान बेहद मुनाफा कमा रहे हैं। बड़ी कंपनियां सीधे उनके खेत से ही फसल की खरीदी कर रही है और उन्हें एक मुश्त राशि प्रदान करने का काम कर रही है। कटिहार के दलन और रोतारा में 100 एकड़ से अधिक इलाके में 3 दर्जन से अधिक किसान पिछले कई सालों से आलू की कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की माने तो किसानों के लिए यह फायदेमंद और बेहतर विकल्प है। इसमें कम जोखिम में निश्चित लाभ है। राबड़ी आवास के बाहर भिड़े सुरक्षा कर्मी। जहां एक तरफ बिहार में फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर मिलने पहुंचे लोगों को सचिवालय थाने की पुलिस ने जबरदस्ती हटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद क्या था, आवास की सुरक्षा में खड़े जवानों ने इसका विरोध किया। इसके बाद जवानों और पुलिस के बीच में मामला गंभीर देखने को मिला। सुरक्षा कर्मियों का आरोप था कि सचिवालय थाना प्रभारी जबरन मीटिंग में भाग लेने पहुंचे लोगों को यहां से हटा रहे हैं और यह उनके अधिकार में हस्तक्षेप हो रहा है। वहीं सचिवालय थाना प्रभारी ने कहा कि लोग यहां इस सड़क पर बेवजह की भीड़ लगाते हैं, जिससे परेशानी बढ़ती है। जयनगर और भागलपुर के बीच जल्द होगी ट्रेनों की शुरुआत। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने जयनगर से भागलपुर के बीच 25 जनवरी से अगले आदेश तक प्रतिदिन पूर्णता आरक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का फैसला लिया है, जिसमें मुख्य 05554 जयनगर भागलपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 25 जनवरी को किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही 05553 भागलपुर जयनगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 26 जनवरी से हो जाएगा। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05554 जयनगर भागलपुर प्रतिदिन 8:30 बजे से खुलकर 5:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। वहीं दूसरी 05553 भागलपुर जयनगर स्पेशल ट्रेन भागलपुर से 7:50 पे खुल के 4:05 पर जयनगर पहुंचेगी।
पीएमसीएच के एयर एम्बुलेंस के लिए बनेगा हेलीपैड। पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि 23 जनवरी को करने वाले हैं, जिसके बाद अब पीएमसीएच में 5462 बेड की सुविधा होने वाली है। इसके निर्माण कार्य में अनुमानित खर्च 5540 करोड़ रुपए होने वाले हैं। आपको बता दें, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल में बदलने के लिए 3 चरणों में काम किया जाएगा। 7 साल में इस काम के पूरा होने की संभावना जताई गई है। इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड की सुविधा होगी ताकि आपात स्थिति में यहां पर एयर एम्बुलेंस को उतारा जा सके। 50% दर्शकों को मिल सकती है अगले टेस्ट सीरीज में स्टेडियम में एंट्री। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम अगले महीने उतरने वाली है। कोरोना के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी है, जिसके पहले 2 मैच चेन्नई में और आखिरी 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेले जाने हैं, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस टेस्ट सीरीज में स्टेडियम में 50% दर्शकों को आने की मंजूरी देने का मन बना सकती है, जिसकी जानकारी बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ही दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, दिव्यांशु कुमारी, नीतीश कुमार, सुनील कुमार महतो, सुधीर कुमार यादव, सज्जन कुमार, जौहर हुसैन, गणेश कुमार, शबनम कुमारी, मिथिलेश यादव, कमलेश प्रसाद, महेश उस्ताद, प्रियंका कुमारी, विकी कुमार, धर्मवीर महतो, रिंकू पंडित, कृष्ण सावरिया ऑफिशियल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार बोर्ड की अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षा तय समय पर शुरू होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।